बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है साजिद और मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अभी तक हमने जो काम किया था कि हमने कुछ पेजेस बना लिए थे और पेजेस में भी थोड़ा सा काम कर लिया था, उनका भी लेआउट थोड़ा सेट कर लिया था। आज हम जो है वो काम करेंगे, यहाँ पे देखिए गौर से, अबाउट पेज के ऊपर। अबाउट पेज के ऊपर कंपनी अपने बारे में बताती है कि वो किस बारे में है और वो क्या काम करती है, अपना मिशन स्टेटमेंट बताती है, इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ पे शो की जाती हैं। आज हम इसी तरह का कंटेंट जो है वो यहाँ पे डालेंगे। तो मैं जो है एक कंप्यूटर सेंटर में काम करता हूँ, तो मैं अपने सेंटर के हिसाब से कुछ जो है डेटा मैंने कॉपी कर लिया है और वही डेटा जो है मैं वहाँ यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारी नोटपैड फाइल के अंदर। ये देखिए, मैंने अबाउट वाला पेज जो हमने माय वेबसाइट का फोल्डर बनाया था, ठीक है, उसमें से अबाउट वाला पेज जो है वो मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया है, वो आपके सामने है, ठीक है। और इसमें जो है हम तब्दीली यहाँ पे करेंगे सिर्फ कंटेंट वाले एरिया में, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी इस पेज के अंदर, ठीक है। फुटर भी, साइड वाली भी और बैनर, ये वाले सारा कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ ये वाला एरिया वो तब्दील होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस जो है इदारे की जो है वो हम जो एमडी हैं हमारे, उनकी तस्वीर लगाएंगे और अपने इदारे के बारे में कुछ थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या मिशन स्टेटमेंट उनका। तो अभी आ जाते हैं कोडिंग पे। ये वही पेज का जो है वो नोटपैड में खोला है मैंने। तो यहाँ पे हमें, आप लोगों को पता है, कंटेंट टू ढूंढना पड़ेगा हमें कि कहाँ पे है। स्लाइडर आ गया है और स्लाइडर के बाद ये वाला जो है हमारा कंटेंट टू, यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। ये मैं इरेज करता हूँ और इसको थोड़ा सा वाइडर ओपन कर लेता हूँ ताकि काम किया जा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तस्वीर लगानी है इदारे के मालिक की, तो तस्वीर लगाने के लिए हम एक बॉक्स ही बना लेते हैं। बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि ये टेबल के अंदर काम कर रहे हैं। तो इमेज यहाँ पे डालने के लिए सिर्फ इमेज का हम लिंक दे देते हैं, बाद में तस्वीर सेट कर देंगे, ठीक है। तो इमेज लगाने के लिए एक टैग इस्तेमाल किया जाता है IMG, ठीक है, इमेज के लिए। और उसके बाद इमेज का आपको सोर्स लिखना पड़ता है कि आप इमेज कहाँ से उठाने वाले हो, ठीक है। लेट्स से एक फोल्डर बनाएंगे हम अपने पास, जो तरीक़ेकार है मैंने इमेजेस नाम का, कि तमाम के तमाम वेबसाइट के जो इमेजेस वो एक इमेजेस नाम के फोल्डर में मोस्टली पड़े होते हैं। पिक्स नाम के फोल्डर में आपका जैसा दिल चाहे उस तरह का फोल्डर बनाइएगा और वो वाला नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उस पिक का टाइटल लेट से कुछ भी दे देते हैं, क्या दें, 1.jpg, जो फॉर्मेट होगा png फॉर्मेट है तो png लिखिएगा, अगर jpeg है तो jpeg, ठीक है। और उसके बाद आप देंगे इसकी वर्थ दे देते हैं, वर्थ इक्वल टू कितनी इसकी विड्थ हो 200, हाइट भी दे देते हैं HIEGST, सही है, हाइट रखते हैं इसकी हम लेट्स से 200, 200x200 की तस्वीर लगाते हैं और इसको कर देते हैं अलाइन। ताकि एक साइड पे आ जाए तस्वीर, ठीक है। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है, जल्दी से चेक करते हैं कि तस्वीर लगी है। लगी है, ये वाला अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पे तस्वीर उसे नहीं मिली हमारी, क्योंकि हमने कोई ऐसा फोल्डर नहीं बनाया था और उसके अंदर वो तस्वीर है भी नहीं। तो ये सेंटर में आ गया है, लेफ्ट में तो है लेकिन सेंटर में है। तो इसको ऊपर करने के लिए, अगर आपको याद हो तो हमने ये वाले लिंक्स भी ऊपर किए थे, बिल्कुल इसी तरह इसको भी ऊपर कर देंगे।
अलाइन इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो हमने इसको किया था टॉप। जैसे आपको इसका फॉर्मेट सही लगे आप वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसी के अंदर जो है कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट भी मैंने जो है वो कॉपी करके रखा है। टेक्स्ट जो है मैं पैराग्राफ के अंदर रखूँगा। पैराग्राफ टैग शुरू किया, पैराग्राफ टैग क्लोज़ किया। अगर इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कर भी दे तो कोई इशू नहीं है। ये मेरा जो है वो टेक्स्ट है हमारे सेंटर की साइड का। तो ये वाला टेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये तो काफ़ी हो गया, चलो सेव कर लेते हैं और अभी देखते हैं क्या हुआ है। इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ये आप देखेंगे थोड़ा सा साइड से आगे पीछे है। तो इसको आप एक और टैग लगा सकते हैं इसके अंदर अगर आप चाहें तो। पी टैग ये है, इसमें लिखे अलाइन इज इक्वल टू, सेंटर सेंटर करते आ रहे थे, अब जस्टिफाई करेंगे टेक्स्ट के लिए। जस्टिफाई कर दिया है, अब देखिए थोड़ी प्रॉपर शक्ल आ गई है, अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है अपने जो सेंटर में जो लड़के काम कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव गोल्स अगर ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे हो जाएं तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलो ये भी करके देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अपने सेंटर के लड़कों के जो टीचर हैं उनके नाम लगाएंगे हम यहाँ पे और तस्वीरें लगाएंगे। तो क्या लिखे, आर फैकल्टी, फैकल्टी मेंबर्स, ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। और तस्वीरें लगाने के लिए मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, टेबल, और टेबल को बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। इसको विड्थ भी दे लेते हैं, आपको याद होगा कल विड्थ कितनी फिट आ रही थी, याद है किसी को? 620 के हिसाब से वो विड्थ उसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो रही थी, 620। तस्वीर की हाइट हम कर लेते हैं थोड़ी सी और, क्या कितनी करें, 20x150 कर लेते हैं, 200 नहीं करते। अच्छा जी, ये बन गया टेबल का हाइट, ठीक है। अब TR कर देते हैं और TR के अंदर होते हैं हमारा TD, TD के हमारा TD क्लोज, पूरा टेक्स्ट को मैं वो कर दूं क्लोज ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टेबल पूरी क्रिएट कर दी है और ताकि हम इसका आउटपुट देख सकें। ये टेबल मैंने पूरी क्रिएट कर ली है, सेव भी करा दिया है और देखते हैं यहाँ पे, चलो थोड़ा टेक्स्ट लिखते हैं पिक पर सेव। ये हमारा हो गया का थोड़ा सा चलो इस लेट से, हमारे पास टीचर्स तो बहुत हैं लेकिन इसके अंदर हम 4 ही डाल सकते हैं। तो 4 जो है, मैं 1 2 3 4 हो गए हैं हमारे पास, 2 3 4 सेव। और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं, ये आ गया हमारा बोर्ड, ये हमारी हो गई ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन वगैरह जो है वो सेट करते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली टेबल जो है पूरी पूरी कॉपी कर लेते हैं
टेबल कॉपी कॉपी कर ली। यहाँ पे इसका थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें टेक्स्ट लिखना है, तो 50 या 40 जो आपको बेहतर लगे, जितना साइज़ आपको मुनासिब लगे आप वो साइज़ रख सकते हैं। मैंने रख दिया है पिक 1 2। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं सर इमरान, शाम। अगर सर आपका स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कीजिएगा सर साजिद, मैंने अपने आप को आखिर में रख लिया। खैर अपना कोई हाल नहीं है। चलो जी, ये नाम आ गए हैं। और ये थोड़ा सा अगर टेक्स्ट हम ज़्यादा कर दें तो ये वाला एरिया फिट हो सकता है, या तो हम अपनी पिक्स का हाइट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाएं, का हाइट से देखते हैं या टेक्स्ट को देखते हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके दोबारा डाल दूं, कुछ भी करके आप टेक्स्ट बढ़ा लीजिएगा। लेट सेव पी टैग के अंदर है, सही है। अभी देखते हैं क्या होता है। हमारा लेआउट ये देखिए ख़राब हो गया है, तो थोड़ा सा टैक्स कम करते हैं। कुछ लाइनें मैंने कम कर दी हैं, सेव ये लाइन भी चली जाए। अच्छा, नाम की वजह से भी टेक्स्ट आगे पीछे हो गया है, तो 620/4 विन आर कल को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना बचता है हमारे पास, कितना बचेगा, 160। 160 हर टीडी को 160 देंगे तो काम बन जाएगा अपना। ये आ गई हमारी पिक्स, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जब भी नाम देंगे तो हमें वेट देनी पड़ेगी। वेट वेट इज इक्वल टू 160, क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारा एरिया जो है टोटल 620 है, तो 4 तस्वीरों से इस पर डिवाइड किया है तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये नाम जो है वो ऑकवर्ड से हो रहे हैं। ये भी मैंने ऊपर वाले में तो नहीं दे दिया, कहीं पिक में दे दिया ना, आप लोग भी बताते नहीं हो। चलो नीचे भी दे के आ जाते हैं, असल में देना यहाँ चाहिए था, वहाँ पे भी दे दिया। अच्छा है, आपका जो है बार जो है बॉर्डर आउट नहीं होगा पिक्सल से। ये हमारा हो गया सेव। अब ये टोटल अलाइन हो गया है हमारा सारा कुछ। ये आप सेंटर करना चाहें तो नाम सेंटर में कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे वैसे लगे रहे। मैं आपको एक और पेज जो है वो जल्दी से बना के दिखाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। तो ये हम करते हैं क्लोज, ये भी हम करते हैं क्लोज, ये भी करते हैं क्लोज। नहीं सेव करना मुझे,
और उसके बाद मैं दोबारा से इस फोल्डर को खोलता हूँ। मैं वेबसाइट में, अभी हम आते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर, जल्दी से कॉन्टैक्ट का पेज बनाते हैं और फिर अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कॉन्टैक्ट का पेज खोला मैंने, ये फिलहाल इसमें भी हम कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल डालेंगे और इस जगह पे डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और जल्दी जल्दी से ये काम कर लेते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। ओपन विद नोट पैड, बड़ा कर लिया साइज में, और ये रहा इसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट टू, और ये मैंने ओपन कर लिया कॉन्टैक्ट एरिया कि इसको इसमें हम क्या बताना है। कॉन्टैक्ट अस, पहले मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ओहो H1 के अंदर लिखना है कौन क्लोज। उसके बाद मैं बना रहा हूँ टेबल, ये जो है मैं H1 अलाइन सेंटर करके आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं टेबल, जल्दी से बन जाएगा ये पेज, परेशान नहीं होना। जल्दी जल्दी कोडिंग कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ये मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके अभी नहीं बता रहा। और जल्दी जल्दी से मैं अपना काम कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ कम से कम रहे। टी डी क्लोज, ठीक है जी। टी डी के अंदर हम लिखते हैं लेट्स से इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे कि कौन सा नाम है, और इनको कॉपी किया कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, कॉपी हो गया होगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइट सेंटर, सही है। और टेबल को दे दिया मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1, और इसको देते हैं विड्थ पूरी नहीं करते, इसमें थोड़ी सी कम करते हैं। विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, क्या कर रहा हूँ मैं, विड्थ की स्पेलिंग भूल गए जब जहन में, आई गेस सही होगी। वेट इज इक्वल टू 400, हाइट भी दे देते हैं साथ साथ 300 को एक सेल के ऊपर, और अलाइन सेंटर कर देते हैं बस, बहुत हो गया टू सेंटर जी। तो चेक करके आते हैं क्या हुआ है वहाँ पे, कुछ हुआ भी है कि नहीं, हो गया है। अब इसके अंदर हमें TR2TR, आपको चाहिए TR2TR कॉपी करें, आप जितनी भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो दें। मैंने 2-4 लिख दिए हैं, पहले में मैंने नाम शो कर दिया है, दूसरे के अंदर मैं ईमेल लगा रहा हूँ, मैं अपने इदारे की ईमेल। तो ये है हमारी माइट फॉरम एट जीमेल डॉट कॉम, और क्या है इंस्टीट्यूट जगह हम क्या लिखें, सेल नंबर अगर आपके पास है तो सेल नंबर दे सकते हैं। लेट्स से हम देते हैं +920 300 1 2 3 4 5 6 7
ज़्यादा तो नहीं हो गया, चलो ज़्यादा भी हो गया तो हमारा क्या जाता है, कौन सा भी ये में फेक नंबर है, ट्राई नहीं कीजिएगा। और इसके अलावा क्या लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर हमारे इदारे का दे देते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 0242430438, ठीक है, ख़त्म हो गया। चलो काफ़ी है, सेव, देखते हैं कुछ हुआ है। और ये जी हमारा अलाइन सेंटर कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस तरह ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बन गई है, और इसको वी अलाइन टॉप नीचे शायद, इसलिए थोड़ा सा ये हमारा इंस्टीट्यूट टेबल बॉर्डर किस टीडी के अंदर बनाया हमने अलाइन सेंटर को, ये वाला टीडी है हमारा, ये वाला तो क्लोज है, ये वाला शुरू हुआ है। वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, ताकि हमारा जो टेबल है वो ऊपर से शुरू हो जहाँ से। ठीक है जी, आ गया है समझ में आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अगर आप यहाँ पे अपने इदारे की वेबसाइट भी दे सकते हैं, अच्छा जी नंबर भी गलत हो गया है, ये भी सेट कर लीजिएगा, सेट कर लिया मैंने, आप लोग उम्मीद है ये गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार करें और देखते रहें और सीखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।